को रिमेम्बर टू रिमेम्बर, जो रिकॉल करे फैक्ट्स को जो कि डायरेक्टली उस मटेरियल में जो उसे पढ़ा है उसमें उसने गेन किए हैं. दिस इज कॉल्ड लिटरल लेवल. इन्फ्रेंशियल रीडिंग, द सेकेंड पॉइंट इज इन्फ्रेंशियल रीडिंग. यस, इन्फ्रेंशियल लेवल क्या है रीडिंग का? इन्फ्रेंशियल रीडिंग रिक्वायर्स द रीडर टू लुक फॉर इंप्लाइड इंफॉर्मेशन इन द सिलेक्शन. इंप्लाइड इंफॉर्मेशन बेटा वो जो कि आप लोगों ने पढ़ा और उसको आपने गेन कर लिया, दिस इज कॉल्ड इंप्लाइड. जो आपको समझ आई और आपने उसको अपने माइंड में रख लिया. तो रीडर जो है, पढ़ने वाला जो है, वो तलाश करता है उस इंफॉर्मेशन को जो के इंपॉर्टेंट है और उसको अपने माइंड में रख लेता है. द थर्ड इज क्रिटिकल लेवल, क्रिटिकल रीडिंग लेवल. Yes, critical reading take place when the reader evaluates the material, read, gives judgment or opinion on ideas, read using his prior knowledge or background experience in relations to information of reading. This is called critical reading. जब आप लोग सारा कुछ पढ़ लेते हैं उसके बाद क्या होता है? आप अपनी उसको एवेल्यूएट करते हैं मटेरियल को, फिर अपनी राय देते हैं, नहीं ये इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए था, अपने आइडियाज को लिखते हैं, ये इस तरह नहीं इस तरह से. आपके पास जो नॉलेज है, जो आपने पढ़ा है, जो आपकी वो उसको रखते हुए और जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद था आपके माइंड में उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड और जिसका आपको एक्सपीरियंस था उसको मिला के जो आप इंफॉर्मेशन बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड यस क्रिटिकल लेवल. इस लेवल पे आप क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिकल रीडिंग करते हैं और उसको अवेल्युएट करके उसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो निकाल लेते हैं. दीज आर थ्री लेवल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन. यू नो कॉम्प्रिहेंशन व्हेन यू डू इट, इसमें ये एक फैक्चुअल टाइप है रीडिंग की, कॉम्प्रिहेंशन जो है, और इसका जो डायरेक्ट कंसर्न है वो रिमेम्बरिंग आइटम से है जो के उस पैसेज में है और आपने उसको पढ़ा और आपके आपको याद रहा तो, और उसको रिकॉल करने में है जो आप उसको रिकॉल करते हैं और उसका ताल्लुक जो है उससे है जो आपके पास ऑलरेडी आपके माइंड में जो मटेरियल मौजूद है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कीप इन योर माइंड सम पॉइंट्स बिफोर रीडिंग. Be definite about your purpose in the reading a selection. Why you are going to read this paragraph or passage? What's the purpose of your this reading? And you should read the passage slowly and carefully. You should remember the detail in relations to ideas you want to remember rather than as isolated bits of information. You should be able to distinguish main or big ideas from sub ideas. When you know the main ideas, it is easier to remember the supporting detail. I have already told you about it. कि आपको main idea सबसे पहले उसको select करना है. जब आपके पास main idea होगा तो supporting sentence जो है, supporting जो ideas हैं, डिटेल है, वो खुद बखुद बनती चली जाएगी और आपका आपके माइंड में एक आइडिया क्रिएट होता चला जाए. अब मैं आपको जो है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक जो है एक्सरसाइज करवाने लगी हूँ. तो ये पैराग्राफ मैं लिखने जा रही हूँ और इसको आप लोगों ने करना है. मैं क्वेश्चंस लिख दूंगी और आपने इसकी असाइनमेंट बनानी है, उसमें मुझे आपने इसके आंसर जो है लिख के भेजने हैं. ठीक है बेटा?
चलिए खोलिए अपनी कॉपी पेंसिल्स, तैयार हैं? A gentleman put an advertisement. A gentleman put an advertisement in a newspaper. For a boy to work in his office, out of nearly 50. Came to apply the man selected one and dismissed the others. I should like to know इन्वर्टेड कॉमा में है ये सेट अप फ्रेंड The reason you selected that boy who brought not a single letter not a single recommendation You are wrong, said the gentleman. He had a great
money, he dipped his feet at the door and closed the door. And close the door. After him, showing that he was careful, he gave his seat instantly to that an old man showing that he was kind. And powerful he took off his cap when he came in and answered my question. Promptly showing that he was polite and gentlemanly, showing that he was polite and gentle, manly.
स्टूडेंट्स यहां तक लिखे, नेक्स्ट कमिंग में है, फिर मैं आपको आगे और लिखवाती हूं। इसको मैं एक दफा पढ़ने लगी हूं, सुन ले। अ जेंटलमैन पुट एन एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर फॉर अ बॉय टू वर्क इन हिज ऑफिस। आउट ऑफ नियरली 50 हु केम टू अप्लाई, द मैन सिलेक्टेड वन एंड डिसमिस्ड द अदर्स। आई शुड लाइक टू नो, सेड अ फ्रेंड, द रीजन you selected that boy who brought not a single letter, not a single recommendation. You are wrong, said the gentleman. He had a great money. He whipped his feet at the door and closed the door after him, showing that he was careful. He gave his seat instantly to that lame old man, showing that he was kind and thoughtful. He took off his cap when he came in and answered my question promptly, showing that he was polite and gentlemanly. जी स्टूडेंट्स, लिख लिया आप लोगों ने? मैं रिमूव करने जा रही हूं ताकि मैं अगला जो है इसका पैसेज वो भी लिखूं। इसको अपनी कॉपीज पे उतारें। All the rest step over. Step over the book which I had proposed the गुजारा कर लो। अभी मैं इसको चेंज करती हूं। पुट ऑन द फ्लोर ही पिक इट अप एंड प्लेस्ड इट on the table and he waited quietly for his turn instead of pushing
and crowding. When I talk to him, बेटा मैं डिक्टेट करवा देती हूं, ये काम नहीं कर रहा. When I talk to him, I noticed his dirty clothing, कपड़े, comma, his finely brushed hair and his clean fingernails. Full stop. Do you not call these things recommendation? Do you not call these things recommendation? I do. I consider them more important than letters. I do. I consider them more important than letters. Here, beta, questions. What was the purpose of the gentleman's advertisement? I am going to repeat again. What was the purpose of the gentleman advertisement? Question number 2. How many were needed for employment? How many were needed for employment? Third question is that what was extraordinary about the applicant who got hired? H-I-R-E-D, hired. What was extraordinary about the applicant who got hired? Question number 4. How did the applicant who got hired impress the employer? How did the applicant who got hired impressed the employer? Question number 5. What was the employer's interpretation of the recommendation? What was the employer's interpretation of recommendation? This was the 5th question. Now अब आपने क्या करना है कि इन questions के answer अपनी जो है assignment बनानी है और वो मुझे send करनी है. ठीक है, this is your assignment. और पिछली assignments आपके आए नहीं, संडे तक आ जाए वरना आप लोगों को absent consider किया जाएगा. Keep in your mind. और मैं आप लोगों को अपना ईमेल एड्रेस दे चुकी हूं, nigarsultana41@gmail.com. जी बेटा, ये आपने जो है अपनी एक्सरसाइज करनी है और मुझे सेंड करना है, nigarsultana41@gmail.com, और अपनी असाइनमेंट्स भी भेजनी है. संडे लास्ट है.